हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज़ियाराफ ऑनलाइन मेडिकल इंस्टीट्यूट। दिस इज लेक्चर नंबर 2। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका बेसिक मैंने पहले वाले लेक्चर में कवर किया था, जिसमें मैंने इंटरफेस क्या होता है वो बताया था, उसका बेसिक बताया था मैंने। एस फेज के बारे में बेसिक बताया था, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ये सब के बारे में थोड़ा मैंने बेसिक वहाँ पे क्लियर किया था। आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इंटरफेस पे, और भी आगे बहुत से टॉपिक पे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो लेक्चर पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में डालिए, मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और लेक्चर कब आ रहे हैं, कब नहीं आएंगे, वो सब आप बातें आपको पता चलती रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो तीनों फेज को हम लोग थोड़ा अलग से डिटेल में समझेंगे, G1 फेज क्या होता है, S फेज क्या होता है और G2 फेज क्या होता है। और इंटरफेज क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरफेज जब सेल डिवाइड होने से पहले, जब सेल जो है सेल डिवीजन के लिए तैयारी कर रही होती है, प्रिपेयर कर रही होती है, सेल जो अपने ग्रोथ फेज में होती है, ग्रो कर रही होती है, उसी फेज को हम लोग इंटरफेज कहते हैं। तो बात करते हैं हम लोग पहले G1 फेज के बारे में। G1 फेज कोरिस्पोंड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रिप्लिकेशन। तो कह रहा है कि G1 फेज जो है वो माइटोसिस फेज और DNA रेप्लिकेशन वाला फेज के बीच का फेज है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में फिगर दिखाया था, ऐसा फिगर दिखाया था, तो जिसमें से G1 यहाँ पे कह रहा है कि G1 फेज जो है वो क्या हो रहा है कि माइटोसिस फेज और DNA रेप्लिकेशन वाला फेज। DNA रेप्लिकेशन वाला फेज कौन? एस फेज जो है DNA रेप्लिकेशन वाला फेज, मतलब कि एस वैसा फेज है इसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है, DNA की सिंथेसिस होती है, मतलब DNA का एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार होता है एस फेज में। तो G1 फेज जो है वो माइटोसिस फेज मतलब कि एम फेज और एस फेज के बीच का फेज होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, यह G1 फेज जो है माइटोसिस फेज और एस फेज के बीच का फेज है G1 फेज। आर समझ में? ड्यूरिंग G1 फेज दिस सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोस बट डज नॉट रेप्लीकेट इट्स DNA। तो G1 फेज में क्या होता है, सेल जो है मेटाबोलिकली एक्टिव होती है, मतलब सेल जो है अपने मोलिकुलर लेवल पे काम कर रही होती है, सेल जो है अपने अंदर ग्रोथ कर रही होती है G1 फेज में, ठीक है। लेकिन G1 फेज में सेल जो है DNA का रेप्लीकेशन नहीं करती है, DNA का कॉपी तैयार नहीं करती है, ठीक है। DNA कॉपी कब तैयार होता है? DNA कॉपी तैयार होगा S फेज में। तो G1 फेज के बाद आता है S फेज। सिंथेसिस ऑफ mRNA, rRNA एंड tRNA। तो G1 फेज में mRNA मतलब मैसेंजर RNA, rRNA मतलब राइबोसोमल RNA और tRNA मतलब कि ट्रांसफर RNA। तो क्या होता है G1 फेज में mRNA, rRNA और tRNA, ये तीनों RNA जो है तैयार होता है, सिंथेसाइज होता है G1 फेज में। प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर सेल ऑर्गेनली एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अलावा जितना भी सेल ऑर्गेनली है, राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, फिर वैक्यूल हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल हुआ, ये सारा क्या होता है कि ये सारा सेल ऑर्गेनली तैयार हो जाता है, इसका डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। बस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन नहीं होता है G1 फेज में। मोस्ट ऑफ द सेल ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस फेज। ज्यादातर सेल का ग्रोथ जो है सेल इंटरफेज में सेल अपना सबसे ज्यादा ग्रोथ करती है G1 फेज में। सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन। तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन का सिंथेसिस भी कहाँ होता है? G1 फेज में होता है। डिसीजन ऑफ सेल डिविजन टेक प्लेस इन दिस फेज। एट द एंड ऑफ द G1 फेज ए रिस्ट्रिक्शन पॉइंट अकर
कॉल आर पॉइंट। कह रहा है कि सेल को डिवाइड करना है कि नहीं करना, सेल डिसीजन लेगी जीवन फेज में कि सेल को अगर डिवाइड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अगर सेल को डिवाइड करना होगा तो सेल जीवन फेज में डिसीजन ले लेगी और वो एस फेज की तरफ बढ़ जाएगी। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना होगा तो सेल वो भी डिसीजन क्या होगा कि जीवन फेज में ले लेगी और वो क्या होगा कि आगे एस फेज तक नहीं बढ़ेगी, वो वापस लौट करके जी नॉट फेज में चली जाएगी, ठीक है। जी नॉट फेज आगे बताऊंगा मैं जी नॉट फेज क्या होता है। और कह रहा है कि जीवन फेज के इन पे, जीवन फेज का जो इन पॉइंट, जीवन फेज खत्म होने के बाद नहीं, जीवन फेज का एकदम इन पॉइंट, जीवन फेज का जो आखिरी हिस्सा जब होगा, जीवन फेज अपना इन पॉइंट पे होगा, तो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट अकर, तो वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट देखने मिलेगा जिसको कहते हैं आर पॉइंट। जीवन फेज के इन पॉइंट पे क्या देखने मिलेगा, आर पॉइंट देखने मिलेगा, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट देखने मिलेगा। अब ये रेस्ट्रिक्शन पॉइंट मतलब कि आर पॉइंट क्या होता है जो कि जीवन फेज के एंड में देखने मिलता है उसकी बात करते हैं। इफ सेल क्रॉस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट इट मस्ट डिवाइड। आर पॉइंट इज अ क्रिटिकल लेवल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल, दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल आर नोन एज ट्रिगर प्रोटीन और यू प्रोटीन। तो कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन पॉइंट मतलब कि आर पॉइंट जो कि क्या होता है जीवन फेज के एंड पे देखने मिलता है, अगर सेल जो है आर पॉइंट को मतलब कि रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को अगर क्रॉस कर जाती है सेल तो क्या होगा, सेल डिवाइड होकर रहेगा, सेल मस्ट डिवाइड, सेल डिवाइड होगा, सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवाइड होगा, ठीक है। अगर सेल जो है क्या करता है कि आर पॉइंट क्रॉस नहीं करता है तो सेल डिवाइड नहीं होगा, वो लौट करके जी नॉट फेज में चला जाएगा। तो आर पॉइंट क्या है असल में, उसको समझते थोड़ा, आर पॉइंट क्या है, तो सेल के अंदर एक खास मॉलिक्यूल होता है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, वो कौन सा मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम लोग ट्रिगर प्रोटीन कहते हैं या यू प्रोटीन कहते हैं। अगर सेल के अंदर ट्रिगर प्रोटीन का अमाउंट इतना अमाउंट में बन जाता है, इस लेवल तक बन जाता है कि वो ट्रिगर प्रोटीन जो है रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस कर जाए, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो क्या होगा, सेल डिवाइड होगी। अगर कम अमाउंट में अगर ट्रिगर प्रोटीन कम अमाउंट में बना, ठीक है, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को पार नहीं कर पाया, तो क्या होगा कि सेल डिवाइड नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते इस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को पार कर गया तो क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी। अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को पार नहीं कर पाता है, सब इतना ही बना, तो सेल डिवाइड नहीं करेगी। हर समय इफ सेल कैन नॉट क्रॉस द आर पॉइंट इट इज सेड टू बी इन जी जीरो फेज एंड अंडरगोज इन डिफरेंशिएशन। अगर सेल आर पॉइंट क्रॉस नहीं कर पाती है तो वो डिवाइड नहीं करेगी, तब सेल को हम कहेंगे सेल जो है जी जीरो फेज में, या कह सकते हैं जी नॉट फेज में, या कह सकते हैं जी जीरो फेज, सेल को क्या कहेंगे, सेल जी जीरो फेज में आ गई, ठीक है। अगर सेल आर पॉइंट को रेस्ट्रिक्शन पॉइंट क्रॉस नहीं कर पाए तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, तो हम लोग कह सकते हैं सेल जो कहाँ आ गई, जी जीरो फेज में आ गई, और सेल जो है इनडिफरेंशिएशन में चली जाएगी, मतलब सेल अब डिवाइड नहीं करेगी। ट्रिगर प्रोटीन हेल्प दिस सेल टू क्रॉस आर पॉइंट। नाउ दिस प्रोटीन आइडेंटिफाइड एज साइक्लिन एंड सीडीके काइनेस सेल साइकिल इंजन्स। तो कह रहा है यहाँ पे कि ट्रिगर प्रोटीन जो क्या करता है, वो सेल का हेल्प करता है कि आर पॉइंट को क्रॉस कर सके। आर पॉइंट को क्रॉस करने में सेल का हेल्प करता है कौन, ट्रिगर प्रोटीन। तो यहाँ पे कह रहा है एक और इंपॉर्टेंट बात, जो ट्रिगर प्रोटीन आखिर है क्या, तो वो है साइक्लिन और सीडीके काइनेज, साइक्लिन और सीडीके काइनेज, ये दोनों क्या ट्रिगर प्रोटीन है, ठीक है। साइक्लिन और सीडीके काइनेज ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ट्रिगर प्रोटीन है, या ये जो है सेल साइकिल का इंजन है, ठीक है, सेल साइकिल कंट्रोल करने वाला प्रोटीन है साइक्लिन और सीडीके काइनेज, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन फेज गैप वन जनरेशन वन प्री डीएनएसिंथेसिस फेज, तो जीवन फेज को हम लोग गैप वन कह सकते हैं या जनरेशन वन कह सकते हैं, या जीवन फेज को हम लोग प्री डीएनए सिंथेसिस फेज कह सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं एस फेस के बारे में, ठीक है। एस फेस के बारे में थोड़ी डिटेल हम लोग बात करते हैं। एस और सिंथेसिस फेस मेक द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो एस फेस या सिंथेसिस फेस जो है ऐसा फेज है जब सेल जो है डीएनए का रेप्लिकेशन कर रही होती है, जब सेल डीएनए का रेप्लिकेशन कर रही है तो डीएनए की कॉपी तैयार कर रही होती है, उस फेज को हम लोग कहते हैं सिंथेसिस फेज या एस फेज। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एट 2C देन इट इज इंक्रीज टू 4C। तो कह रहे हैं कि एस फेज के दौरान क्या होता है, एस फेज के दौरान क्या होता है कि डीएनए का अमाउंट जो है पर सेल डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है अगर रेप्लिकेट डीएनए रेप्लिकेशन से पहले डीएनए का अमाउंट 2C था, तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद डीएनए का अमाउंट सेल में कितना होगा, एक सेल के अंदर कितना होगा, 4C हो जाएगा, ठीक है। उस सेल के अंदर क्या हो जाएगा, 4C, 2C से 4C। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 इवन आफ्टर एस फेस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम, दैट इज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज काउंट बाय नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह रहा है कि क्रोमोसोम का नंबर डीएनए के नंबर से मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है, मतलब डीएनए का अमाउंट से क्रोमोसोम का नंबर को मतलब नहीं है। डीएनए का अमाउंट 2C से 4C हुआ तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि क्रोमोसोम का नंबर भी है डबल हो गया होगा, ठीक है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि क्रोमोसोम का नंबर भी क्या होगा, दुगना हो गया होगा, ठीक है। अगर G1 फेज में क्रोमोसोम का नंबर 2N था, ठीक है, तो एस फेज के बाद डीएनए रेप्लिकेशन के बाद G2 फेज में भी क्रोमोसोम का नंबर 2N ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्रोमोसोम का नंबर कैसे काउंट करते हैं, तो सेंट्रोमेयर के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। सेंट्रोमेयर जितना सारा सेंट्रोमेयर उतना सारा क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमेयर क्या होता है, वैसे मैं आपको मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था, एक क्रोमोसोम है, तो ये जो पॉइंट है ये होता है सेंट्रोमेयर, ठीक है। ऐसा जितना पॉइंट देखने मिलेगा उतना सारा क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा। और क्रोमोसोम कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बताया था कि डीएनए होता है, डीएनए से क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन आकर के जुड़ता है, ठीक है। तो डीएनए के थ्रेड को क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। जब हिस्टोन प्रोटीन आकर डीएनए थ्रेड से जुड़ेगा तो वो जाएगा क्रोमेटिन थ्रेड। फिर क्रोमेटिन थ्रेड क्या होगा, कंडेंस होगा, अपने में कॉइलिंग करेगा, तब जाकर के क्रोमोसोम तैयार होगा। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेस डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो कह रहा है कि एनिमल सेल में एस फेस के दौरान क्या होता है, एनिमल सेल में एस फेस के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और एनिमल सेल में एस फेस के दौरान सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेट करता है। याद रखिएगा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन ना तो जीवन फेज में होता है, जीवन फेज में नहीं होता, वो एस फेज में होता है। कब होता है, एस फेज में, ठीक है। डी डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन दैट टेक प्लेस इन एस फेज। तो डीएनए का डुप्लीकेशन मतलब कि रेप्लिकेशन, डीएनए का डुप्लीकेट होना, डीएनए की नया कॉपी तैयार होना, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जो कि कब होता है, जो कि एस फेज में होता है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट एक्टिव एंजाइम ड्यूरिंग एस फेज इज डीएनए पॉलीमरेज। तो एस फेज के दौरान जो सबसे एक्टिव एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करता है, जो कि डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो एस फेज के दौरान क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, तो डीएनए पॉलीमरेज सबसे एक्टिव एंजाइम होता है एस फेज के दौरान। इफ द सेल डबल इट्स डीएनए कंटेंट इट मस्ट डिवाइड इट टू रिड्यूस द डीएनए कंटेंट टू नॉर्मल। अगर सेल एक बार डीएनए का कंटेंट डबल कर लेती है तो सेल को डिवाइड होना ही पड़ेगा ताकि डीएनए का जो अमाउंट सेल के अंदर पहले जितना था उसको मेंटेन कर सके या नॉर्मल कर सके। हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन G1 एंड S फेज। तो याद रखिएगा G1 फेज में भी हिस्टोन प्रोटीन तैयार हो रहा होता है और S फेज में भी हिस्टोन प्रोटीन तैयार हो रहा होता है।
तो हिस्टोन प्रोटीन एस फेज और जीवन फेज दोनों फेज में हिस्टोन प्रोटीन तैयार हो रहा होता है। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग जी टू फेज के बारे में। ड्यूरिंग द जी टू फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। तो जी टू फेज में क्या होता है कि प्रोटीन तैयार होते हैं, जी टू फेज में वो प्रोटीन तैयार होते हैं जो माइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, एम फेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी टू फेज में प्रोटीन तैयार होते हैं जो माइटोसिस के लिए, एम फेज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्रोटीन तैयार होता है जी टू फेज में। और जी टू फेज में भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहता है, सेल ग्रोथ रुकता नहीं है, मतलब कि पूरा होल इंटरफेज जीवन फेज एस फेज जी टू फेज लगातार सेल का ग्रोथ होता रहता है जी टू फेज तक। इंक्रीज इन एटीपी एनर्जी स्टोर, फिर जी टू फेज में क्या होता है कि एनर्जी स्टोर होती है, एटीपी का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, जी टू फेज में एनर्जी का स्टोरेज बढ़ जाता है ताकि एम फेज में जब सेल डिवाइड कर रही होगी उस वक्त उस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल कर सकें। डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, अब यहाँ पे आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन या उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, जी टू फेज में। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन ना तो जीवन फेज में होता है ना तो एस फेज में होता है, वो होता है जी टू फेज में। दिस फेज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट डीएनए सिंथेसिस एंड प्री माइटोटिक गैप फेज। तो जी टू फेज को हम लोग पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं, मतलब कि एस फेज के बाद वाला फेज, एस फेज में डीएनए बना, डीएनए के बनने के बाद वाला फेज, मतलब पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। जी टू फेज को हम लोग पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज कह सकते हैं या कह सकते हैं प्री माइटोटिक गैप फेज, मतलब कि माइटोसिस से पहले वाला फेज। जी टू फेज एम फेज से पहले वाला फेज है, एस फेज के बाद वाला फेज। आ रहा समझ में? स्पिंडल फाइबर आर सिंथेसाइज्ड एंड रेस्ट ऑफ द सेलुलर सिंथेसिस टेक प्लेस। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन और सेल के लिए जो भी और भी जो चीजें बच गई है इसको बनाना जरूरी है, वो सारी चीजें जी टू फेज में बनती है। स्पिंडल फाइबर और भी बहुत सी चीजें जो कि माइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें जी टू फेज में तैयार हो जाती है। याद रखिएगा स्पिंडल फाइबर कब तैयार होता है, जी टू फेज में। सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, दैट इज हार्ट सेल एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिड्यूस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी ऑफ सेल डेथ। तो कह रहा है कुछ सेल एडल्ट एनिमल में, एनिमल जो कि एडल्ट हैं उन एनिमल में कुछ ऐसी होती है जो कि डिवाइड नहीं करती है, जो कि सिर्फ एक बार डिवाइड करेगी उसका डिवाइड नहीं करती है, जैसे कि हार्ट सेल, हार्ट जो है दिल जो है उसका जो सेल है वो डिवाइड नहीं करता है, वो तभी डिवाइड करेगा अगर हार्ट में कोई इंजरी आई, हार्ट के सेल में कोई इंजरी आएगी तब उस सेल को रिप्लेसमेंट करने के लिए नया सेल तैयार होगा, नहीं तो ऐसे हार्ट का सेल डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, दिस सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज इंटर द इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड द क्वाइसेंट स्टेज जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल। तो ये जो सेल जो है जो डिवाइड नहीं कर रही है, मतलब कि ये सेल जो है जीवन फेज को एग्जिट करके जी नॉट फेज में इंटर कर चुकी है। जी नॉट फेज को हम लोग क्वाइसेंट स्टेज भी कह सकते हैं ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, जी जीरो फेज को या जी नॉट फेज को हम लोग क्वाइसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल कह सकते हैं। ठीक है, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबोलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है जी नॉट फेज में, जी जीरो फेज में जो सेल है वो सेल जो क्या होता है एक्टिव होती है, मेटाबोलिकली एक्टिव होती है, काम कर रही होती है, लेकिन वो जो है डिवाइड नहीं करती है, और वो सेल तब तक डिवाइड नहीं करेगी जब तक कि बॉडी जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है उसको रिक्वायरमेंट नहीं होगा सेल के डिवाइड करने का उस सेल के। ठीक है, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा तो कमेंट में मुझे बताइए कि ये समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। इन एनिमल माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। याद रखिएगा एनिमल में और हम लोग भी एनिमल में इंक्लूडेड हैं, ह्यूमन बींग भी कह सकते हैं। तो एनिमल्स में क्या होता है कि माइटोटिक सेल डिवीजन, सेल डिवीजन म्योसिस वाला नहीं, माइटोटिक वाला,
और माइटोटिक सेल डिवीजन मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में। तो माइटोटिक सेल डिवीजन एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन देखने मिलता है सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में, जो सेल डिप्लॉयड सोमैटिक सेल है उसी में देखने मिलता है। सोमैटिक सेल क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके, बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके सारी सेल क्या होती है, सारी की सारी सेल क्या है, सोमैटिक सेल। डिप्लॉयड सेल क्या होता है, वैसा सेल जिसके अंदर नंबर क्रोमोसोम 2n है, ठीक है। हाउएवर देर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, फॉर एग्जांपल मेल हनी बीस। तो इसके अलावा लेकिन कुछ एक्सेप्शन देखने मिलते हैं कि हैप्लॉइड सेल जो है वो क्या हो रहे हैं कि माइटोसिस से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि हनी बीस, ठीक है, हनी बीस का सेल माइटोसिस से डिवाइड होता है, हैप्लॉइड सेल। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। लेकिन इसके अलावा प्लांट की बात करें हम लोग, प्लांट में ये देखने मिलता है कि प्लांट का हैप्लॉइड सेल हो या डिप्लॉइड सेल हो वो क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन शो करता है। प्लांट में हैप्लॉइड सेल भी और डिप्लॉइड सेल दोनों से माइटोटिक सेल डिवीजन शो करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेल साइकिल। तो हम लोग सेल साइकिल को मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के पढ़ेंगे, स्टडी एट मॉलिक्यूलर लेवल। द मॉलिक्यूलर इवेंट्स दैट कंट्रोल द सेल साइकिल आर ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल, दैट इज ईच प्रोसेस अकर इन सिक्वेंशियल फैशन एंड इट इज इम्पॉसिबल टू रिवर्स द साइकिल। कह रहा है कि सेल साइकिल का जो भी मॉलिक्यूलर इवेंट हो रहे हैं, जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज, ये सारे प्रोसेस, ये सारे इवेंट जो हो रहे हैं, ये सारे क्या होता है कि ये सब एक सिक्वेंशियल फैशन में होते हैं, एक डायरेक्शन में होते हैं। मतलब कि S1 मतलब जी1 फेज आएगा पहले, जी1 फेज, फिर आएगा एस फेज, फिर आएगा जी2 फेज, फिर आएगा एम फेज, सिक्वेंस में होगा, जी1 फेज, एस फेज, फिर आएगा जी2 फेज। ऐसा नहीं होगा कि जी1 फेज डायरेक्ट जी2 फेज आ जाए फिर एम फेज आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि G2 फेज आने के बाद वापस उल्टा चलने लगा, G2 से आ गया S फेज, फिर आ गया G1 फेज, ये भी नहीं होगा, ठीक है। दीज स्टडीज वर कंडक्टेड इन टू वैराइटीज ऑफ यीस्ट। तो सेल साइकिल की स्टडी की गई मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के दो तरह के यीस्ट पे, एक यीस्ट था बडिंग यीस्ट और एक था फ्यूजन यीस्ट, बडिंग यीस्ट और फ्यूजन यीस्ट। बडिंग यीस्ट साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरोसाई और फ्यूजन यीस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस पोम्पे, ठीक है। अब यीस्ट ही क्यों चुना गया, यीस्ट इसे चुना गया क्योंकि यीस्ट जो है कम टाइम लेता है, 90 मिनट्स लेता है सेल साइकिल कंप्लीट करने में। म्यूटेंट जीन ऑफ बडिंग यीस्ट, तो बडिंग यीस्ट में जो म्यूटेंट जीन देखने मिला वो था कैपिटल CDC जीन, और फ्यूजन यीस्ट में जो म्यूटेंट जीन देखने मिला हम लोग को वो था स्मॉल CDC जीन, ठीक है। जब सेल साइकिल स्टडी की गई यीस्ट के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे, देर आर टू की क्लास ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स दैट डिटरमाइन ए सेल प्रोग्रेस थ्रू ए सेल साइकिल, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। तो कह रहा है कि ये जो म्यूटेंट जीन हम लोग देखने मिला, कैपिटल CDC जीन और स्मॉल CDC जीन, इस जीन की मदद से क्या हुआ कि इस जीन की मदद से रेगुलेटरी मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हुई, मतलब कि वैसा मॉलिक्यूल, वैसा प्रोटीन के बारे में चला जो प्रोटीन जो है सेल साइकिल के इवेंट को कंट्रोल कर रहा था। वो प्रोटीन क्या है, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, इन दो प्रोटीन की डिस्कवरी हुई। द सेल साइकिल म्यूटेंट ऑफ यीस्ट वैराइटीज वर यूज्ड टू डिस्कवर दीज की रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल, वही बात कह रहा है यहां पर, ठीक है। और कह रहा है कि साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस जो है यही जो है सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। इन दिस सेल साइकिल म्यूटेंट्स द सेल साइकिल वर अरेस्टेड एट स्पेसिफिक पॉइंट, दिस पॉइंट वर कॉल्ड चेक पॉइंट। तो कह रहा है कि सेल साइकिल के दौरान, सेल साइकिल के वक्त क्या होता है
कि कुछ पॉइंट आते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आते हैं जहां पर सेल साइकिल की प्रोसेस थोड़ा रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जहां पर क्या क्या आता है, जहां पर सेल जो है चेक करती है कि सेल साइकिल के लिए जो भी जरूरी चीजें थी वो सारी चीजें तैयार हो गई है या नहीं हो गई है, या फिर माइटोसिस करने के लिए, कह सकते हैं माइटोसिस करने के लिए, एम फेज में इंटर करने के लिए, सेल को डिवाइड करने के लिए सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं या नहीं हो गई हैं, वो सारी चीज़ें चेकिंग होती है चेक पॉइंट पे, ठीक है, सेल साइकिल दौरान। तो चेक पॉइंट जो है सेल साइकिल में वो है G1S चेक पॉइंट और है G2M चेक पॉइंट। G1S चेक पॉइंट मतलब कि सेल साइकिल के अंदर G1 फेज और S फेज के बीच के अंदर एक चेक पॉइंट, बीच होता है एक चेक पॉइंट, और एक होता है G2 और M फेज के बीच का चेक पॉइंट। जब सेल G2 फेज से M फेज में इंटर करने वाली होती है तब चेक पॉइंट आता है, और जब सेल G1 फेज से S फेज में इंटर करने वाली होती है तब एक चेक पॉइंट आता है। इनसाइड द सेल देयर आर डिवाइसेस व्हिच इंश्योर दैट द सेल इज नॉट ड्राइवन इनटू डिवीजन बिफोर DNA सिंथेसिस इज कंप्लीटेड। तो सेल के अंदर कुछ डिवाइसेस होते हैं, कुछ ऐसा रेगुलेटरी मॉलिक्यूल मौजूद होता है जो मॉलिक्यूल ये इंश्योर करता है, श्योरिटी चेक करता है, श्योर हो लेता है कि DNA की साइंथेसिस हो गई है या नहीं हो गई है, ठीक है। अगर DNA की साइंथेसिस हो गई होगी तो सेल जो है G2 फेज से M फेज तक तैयार हो जाएगी, मतलब एम फेज G2 फेज से M फेज की तरफ सेल बढ़ जाएगा। देर इज ए कंट्रोल सिस्टम इन साइड द सेल। तो इससे कह सकते हैं हम लोग कि सेल के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। इन दिस कंट्रोल सिस्टम ब्रेक एंड फीडबैक सिग्नल कैन ऑपरेट। तो कंट्रोल सिस्टम जो है ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है कि कब सेल स्टॉप होगी, ब्रेक लेगी, ठीक है, और कब सेल जो है, मतलब कि सेल जो है कब ब्रेक वाला सिग्नल भेजेगी और कब सेल जो है फीडबैक सिग्नल भेजेगी। ब्रेक सिग्नल, फीडबैक सिग्नल, कब सेल को रुकना है, कब सेल को नहीं रुकना है, कब सेल को चेक पॉइंट पे चेकिंग करनी है, ये सारा सिग्नल कौन भेजता है, कंट्रोल सिस्टम भेजता है ऑफ द सेल। ब्रेक कैन स्टॉप सेल साइकिल एट चेक पॉइंट। अगर ब्रेक वाला सिग्नल, अगर ब्रेक वाला सिग्नल कंट्रोल सिस्टम ने सेल को ब्रेक वाला सिग्नल भेजा, ब्रेक सिग्नल भेजा, तो क्या होगा, सेल साइकिल उस वक्त रुक जाएगा, ठीक है, सेल साइकिल प्रोसेस रुक जाएगी उसी वक्त। अगर फीडबैक सिग्नल, अगर फीडबैक सिग्नल, अगर सेल कंट्रोल सिस्टम ने फीडबैक सिग्नल भेजा तो सेल साइकिल प्रोसेस चलेगा, लेकिन थोड़ा डिले हो जाएगा, किसी पॉइंट पे डिले हो जाएगा, प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा सेल साइकिल का। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस एंड साइक्लिन आर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को हम लोग CDK लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CDK, ठीक है। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस या CDK और साइक्लिन मॉलिक्यूल जो है, यही मॉलिक्यूल क्या है, कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। तो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम कौन है, CDK और साइक्लिन। CDK एंड साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स परफॉर्म ए कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन दैट एक्टिवेट और इनएक्टिवेट टारगेट प्रोटीन टू परफॉर्म कोऑर्डिनेट एंट्री इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो कह रहा है CDK प्रोटीन और साइक्लिन प्रोटीन दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। और दोनों कॉम्प्लेक्स तैयार होने के बाद क्या करेगा, एक रिएक्शन कराएगा, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को करा करके एक्टिवेट करेगा या इनएक्टिवेट करेगा प्रोटीन को, किसी एक खास प्रोटीन में टारगेट करके फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगा, और उस प्रोटीन को सेल एक्टिवेट करेगा या तो इनएक्टिवेट करेगा, ठीक है। क्यों करेगा एक्टिवेट इनएक्टिवेट, अगर सेल को नेक्स्ट फेज अगला फेज, फॉर एग्जाम्पल G1 से S फेज में जाना है सेल को, तो क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगा, और एक खास प्रोटीन के ऊपर फोकस करके CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कराएगा, ठीक है, और क्या करेगा कि एक्टिवेट कर देगा उस प्रोटीन को, अगर सेल को G1 से S फेज में जाना है, ठीक है। अगर सेल को उसी तरह कोई भी फेज में जाना है तो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगा, कौन कराएगा, CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कराएगा, प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। अगर प्रोटीन एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, सेल जो है नेक्स्ट फेज में चली जाएगी, प्रोटीन इनएक्टिवेट हो गया तो सेल नेक्स्ट फेज में नहीं जाएगी।
CDK are of 7 type, CDK1 to CDK7. The CDK is cyclin dependent kinase. तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन जो है वो सात तरह का होता है, साइक्लिन CDK1, CDK2, CDK3, CDK4, CDK5, CDK6, CDK7. द इम्यूनिटी ऑफ एनिमल CDK1 एंड CDK2 आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ज्यादातर एनिमल में CDK1 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 और CDK2 ये दोनों प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. साइक्लिन आर ऑफ 3 टाइप. अब साइक्लिन प्रोटीन की बात करें, साइक्लिन प्रोटीन का भी 3 टाइप होता है. एक होता है G1 साइक्लिन जो कि G1 फेज में देखने मिलता है, एक होता है S साइक्लिन जो कि S फेज में देखने मिलता है, एक होता है माइटोटिक साइक्लिन जो कि M फेज में देखने मिलता है. DP53 जीन इस पॉपुलरली नोन एज ट्यूमर सप्रेसिंग जीन. एक जीन है P53 जीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा P53 जीन, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसिंग जीन है. ये जीन ट्यूमर वाली जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सप्रेस करता है, उसको होने से रोकता है. P53 जीन कैसे रोकता है इसको देखते हैं हम लोग. P53 जीन प्रोड्यूसेस P53 प्रोटीन. दिस प्रोटीन इज नोन एज वॉचमैन ऑफ द जीनोम बिकॉज इट रिस्पॉन्ड टू डैमेज DNA and abnormal DNA and it arrests the cell cycle in the case of the adult, in case of the of any fault in DNA inhibits carcinogenesis. तो P53 जीन क्या करेगा, P53 प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. P53 जीन P53 प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा और ये P53 प्रोटीन को हम लोग वॉचमैन ऑफ द सेल साइकिल कहते हैं. याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, P53 प्रोटीन को हम लोग वॉचमैन ऑफ द सेल साइकिल कहते हैं. तो ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि DNA में कोई फॉल्ट तो नहीं है, ठीक है, DNA में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल DNA तो देखने नहीं मिला सेल में. अगर सेल के अंदर कोई DNA में फॉल्ट देखने मिला, एबनॉर्मल DNA देखने मिला सेल के अंदर, तो P53 जीन क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा इसके रेस्पेक्ट में और सेल साइकिल को उसी वक्त रोक देगा, ठीक है. और क्या करेगा, रोक करके कार्सिनोजेनेसिस वाले प्रॉब्लम को, कैंसर काउजिंग प्रॉब्लम को, कैंसर को क्रिएट होने से रोक लेगा. In more than 50% of the cancer, P53 gene is mutated. तो ज़्यादातर कैंसर जो होता है उसमें क्या होता है, P53 gene में म्यूटेशन आता है, P53 gene जो है ख़राब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तब जाके लोगों को कैंसर हो जाती है. In S phase, the S phase induced by CDK2 and S phase cyclin. याद रखिएगा S phase मतलब कि सेल साइकिल अंदर जीवन सेल जो है जीवन फेज से एस फेज में तब कब जाएगी, जब CDK2 और एस फेज साइक्लिन काम करेगा. याद रखिएगा तो एस फेज कब इंड्यूस होगा, जब CDK2 और एस फेज साइक्लिन काम करेगा, याद रखिएगा. उसी तरह एम फेज कब इंड्यूस होगा, एम फेज तब इंड्यूस होगा जब CDK1 और माइटोटिक साइक्लिन काम करेगा. उसी तरह WEE1 जीन इनहिबिट द एंट्री ऑफ द सेल इनटू माइटोसिस, ठीक है. तो WEE1 जीन कह सकते हैं. तो V1 जीन क्या कहता है कि अगर सेल चाह रहा है कि सेल जो है मतलब कि सेल का जो कंट्रोल सिस्टम, वो चाहता है कि सेल जो है माइटोसिस फेज में इंटर ना करे, माइटोसिस के लिए आगे नहीं बढ़े, तो क्या करेगा सेल का कंट्रोल सिस्टम, वो क्या करेगा, V1 जीन को रिलीज करेगा और V1 जीन क्या करेगा, सेल का जो एंट्री है माइटोसिस फेज में उसको रोक देगा. याद रखिएगा तो सेल का एंट्री है माइटोसिस फेज में उसको कौन रोकेगा, कौन इनहिबिट करेगा, V1 जीन, WEE1 जीन. उसी तरह CDC25 जीन स्टिमुलेट द एंट्री ऑफ द सेल इनटू माइटोसिस. फिर आता है CDC1 है, कैपिटल CDC20 मतलब कि 25 जीन, कैपिटल CDC25 जीन, कैपिटल CDC25 जीन क्या करेगा, ये सेल का एंट्री कराएगा माइटोसिस फेज में, ठीक है. इन कैंसर द सेल आर नॉट कंट्रोल बाय द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, दीज सेल्स आर इमॉर्टल. तो क्या होता है कैंसर के केस में, क्या होता है कि सेल जो है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का कंट्रोल सेल के ऊपर नहीं रहता, सेल के ऊपर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का कंट्रोल नहीं होता, सेल अपना कंट्रोल खो देती है, मतलब कि सेल जो माइटोसिस करती जाती डिवाइड होती जाती
सेल का ब्रेक खराब हो जाता है, ठीक है, वो सेल इमोर्टल हो जाती है, कभी मरेगी नहीं, हो बस डिवाइड करती रहेगी, बढ़ती जाएगी, वही होता है कैंसर में। तो कैंसर में अनकंट्रोल माइटोसिस डिवीजन, कैंसर का मतलब माइटोसिस डिवीजन अनकंट्रोल हो गया है, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन कंट्रोल से बाहर हो गया, अनकंट्रोल। तो हमारा लेक्चर नंबर टू खत्म हुआ, हमारा चैप्टर चल रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, वहां पे आपको जो बैकग्राउंड में जो सारे नोट्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे नोट्स आपको बैकग्राउंड में वो सारे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। और ये वेबसाइट है www.zearafacademy.tk, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं लेक्चर नंबर थ्री में। ओके फ्रेंड्स।